हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और गाइस, ये जो कोकोनट आचू जो ब्रदर है बुरदुमसा का, और उनका मिसेस और दो बच्चा आया था, और उनका वीडियो भी मैं नहीं बना पाया बिकॉज वो लोग जस्ट फॉर ये देने के लिए आया था। इतना जल्दी आया और चला गया, मुझे मौका भी नहीं मिला, तो इसके लिए मैं उनको थैंक्स बोल देता हूँ। ये कोकोनट देने के लिए दो पीस दिया, ये दो पीस दिया। और गाइस, और उसने बोला ये अच्छा है, आप इसका जूस भी पी सकते हो बोल के, और साउंड तो सुनाई दे रहा है, अंदर में जूस भी है। तो मैं इसको अभी काट लेता हूँ और इसको कल खाऊंगा एक को, और एक को आज खाऊंगा। सो गाइस, अभी जो जो नया व्यूअर्स है, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो में बने रहो। अच्छा ब्रो, इतना तो आज ही खा दिन दे। और वंस अगेन थैंक यू डिबोकन। जो प्रोफेशनल है उन लोग के लिए तो आसान होता है, बट हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है ना, तो तकलीफ हो गई। और गाइस, कोकोनट हो गया साफ। और एक बात बोलना था गाइस, और ये जो कोकोनट है उनका बगीचा का है, दो कोकोनट जो उसको वही पूछा था, थोड़ा कच्चा में लाने से ठीक था बोल के बोला, बट आने के लिए उसको समय नहीं मिला। सो जो मिला घर से वो साथ ही साथ तोड़ के सीधा ला दिया वो। तो इसका निकालता हूँ अभी जूस, कोकोनट जूस, कोकोनट वाटर है ऐसे तो, जूस जूसी होगा। ओ माय गॉड, मज़ा से पिएगा ना अभी। और ये जो हमको करने के लिए बटरफ्लाई बोला है, हमको कोकोनट का पानी पीना है बोलते हैं। किसको कोकोनट पानी पसंद नहीं है ना, हमको तो बहुत पसंद है पीने के लिए। और आचू ब्रदर को स्पेशली वंस अगेन थैंक यू बटरफ्लाई, और मेरा तरफ से, और उनका मिसेस को भी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, बटरफ्लाई जो सोचा है कि आचू और उनका फैमिली अभी भी है बोल के, बिकॉज आचू जो सुबह कॉल किया था कि हम आ रहे हैं बोल के, तो इसके लिए बच्चा लोग के लिए चिप्स वगैरह क्या क्या लेके आया। और आने के साथ साथ बोला कि उसका बच्चा लोग कहाँ में है, आचू कहाँ में बोल के, तो मैंने बोला वो तो चला गया जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स के लिए आया था रास्ते पे, रास्ता से वापस चला गया बोल के बोला, तो वो भी सरप्राइज हो गया, अरे ऐसा क्या हो गया बोल के। बट आचू को बोला नेक्स्ट टाइम एक दिन बैठने के लिए आओ अच्छा से टाइम लेके, और बहन को भी रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट टाइम आओ बोल के। और ये वाला जो जूस आसे आचू, तो दीदी बहुत भल पाए, और मैं भी उनको दूंगा। हम पहले पिएगा। गाइस आप देखिए, बहुत मजा है। कोकोनट तो बाजार में भी मिलता है, बट बाजार का जो खाने में जो मजा है ना, उससे ज्यादा ये होगा, क्योंकि वो प्यार से लाके दिया है, तो इसके लिए टेस्ट में और बरकत आएगा होगा। सुंदर से निकाल दिया ना, टेस्टी गाइस। और कोकोनट का ये सीजन में ये मेरा पहला कोकोनट। गाइस आप देख सकते हो कुकर में खाना बनाने का नया स्टाइल, ढक्कन यहाँ में लगा सकते हैं, ढक्कन खोल के पका रहा है। तो क्या कर रहा है ये, तो ढक्कन खोल के दिखता नहीं क्या, पूरा ज्यादा हो गया ये चावल, ज्यादा डाल दिया मैंने आज, ऐसे खाने दिल था। नाउ इट्स कुक्ड राइस, बहुत मजा से पका है। ये अच्छा से पक चुका है, अभी इसके ऊपर खाना हो गया गाइस। और यहाँ पे नेक्स्ट हो रहा है तीता पत्ता, बॉईल कर रहे हैं हम, आग बढ़िया से जल रहा है। सिंपल से खाने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, खास करके वेज बॉईल एंड ऑल।
बहुत अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पे चेरी टोमेटो भी दे दिया मैंने, इसको अच्छा से पकने देगा। और ये वही चेरी टोमेटो गाइस, गेटल तोड़ने वाला जो। फाइनली हियर इज द तीता पत्ता बॉइल। और अभी हम पकाने वाला है आलू फ्राई, ऑयल डाल चुका है एंड दिस इज द पोटेटोस। इसको अच्छा से गर्म होने देगा गाइस। उसके बाद मैं डालूंगी प्याज, मिर्ची, नमक, हल्दी एंड देन आलू। गाइस आवर नेक्स्ट रेसिपी पोटैटो ड्राई फ्राई करेगा अभी। और डाल दिया ऑनियन यहाँ पे और हल्दी। गाइस ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, और कमेंट कर दीजिएगा, और लास्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द मिलते हैं। बाय बाय।